जय नारायण। आज हम लोग व्याकरण में पार्ट पांच शब्द रचना पढ़ेंगे। अच्छा बच्चों, आप लोग सुबह से लेकर के शाम तक कई वाक्य बोलते रहते हैं और वाक्यों में हम लोग कई शब्दों का प्रयोग करते हैं, है ना? तो आज हम लोग देखेंगे कि शब्द किस प्रकार से बनते हैं। ठीक है, मुख्यतः शब्द चार प्रकार से बनते हैं। पहले देख लेते हैं, पहला है उपसर्ग लगाकर, ठीक है, दूसरा प्रत्यय लगाकर, तीसरा है संधि के द्वारा और चौथा है समास के द्वारा। इन चार तरीकों से शब्द की रचना की जाती है। आइए अभी हम लोग सीखते हैं कि उपसर्ग लगाकर के नए शब्द कैसे बनाए जाते हैं। उसके लिए हमको पहले उपसर्ग को समझना जरूरी है। उपसर्ग क्या होते हैं? उपसर्ग वो शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में जोड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। इसको हम दो शब्दों के माध्यम से समझते हैं। पहला शब्द है मान, ठीक है, और दूसरा है अपमान। मान का मतलब होता है इज्जत और अपमान का मतलब होता है बेइज्जती। मान और अपमान में क्या अंतर है? मान शब्द में अप उपसर्ग जोड़ करके नया शब्द बनाया गया है। अप उपसर्ग का मतलब होता है पूरा, ठीक है, और मान शब्द में जब अप लगा दिया गया तो इसका अर्थ भी बदल गया, बेइज्जती अर्थ हो गया। ठीक है, उपसर्ग को कभी भी वाक्य में स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जाता है। उपसर्ग को हमेशा किसी शब्द के प्रारंभ में जोड़ करके ही प्रयोग करते हैं। जैसे हमने मान शब्द में अप उपसर्ग जोड़ करके नया शब्द बनाया है अपमान। आइए अब हम लोग विभिन्न प्रकार के उपसर्ग, उनके अर्थ और उनसे बनने वाले नए शब्दों को देख लेते हैं। पहला उपसर्ग है आ, इसका अर्थ है तक और इससे बनने वाले शब्द हैं आजीवन। स्व, इसका अर्थ होता है अपना और इससे बनने वाला शब्द स्वराज्य। राज्य में स्व उपसर्ग जोड़ दिया तो बन गया स्वराज्य। अप, विरुद्ध या बुरा। मान, मान में हमने अप जोड़ दिया तो नया शब्द बना अपमान। भर, पूरा, शब्द बना भरपेट। अन, अभाव, इसका मतलब होता है अभाव। अनपढ़, बे, इसका अर्थ है बिना। बेईमान, बेकार। परा, इसका अर्थ है विपरीत। पराजय। कु, इसका अर्थ होता है बुरा या हीन, इससे बनने वाला शब्द है कुरूप। अ, विपरीत, अधर्म। तो ये हैं उपसर्ग, उनके अर्थ और उनसे बनने वाले नए शब्द। ठीक है, इनके अलावा भी बहुत सारे उपसर्ग होते हैं। बस ध्यान रखने वाली बात ये है कि उपसर्ग को हमेशा शब्दों के पहले लगाया जाता है और उपसर्ग को स्वतंत्र रूप से वाक्य में कभी भी प्रयोग नहीं करते हैं। आइए अब हम लोग प्रत्यय के द्वारा शब्द रचना को देख लेते हैं। उससे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि प्रत्यय क्या होते हैं। प्रत्यय जो शब्दांश शब्द के अंत में जुड़कर एक नया शब्द बनाते हैं, उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय हमेशा शब्द के अंत में जुड़ता है, ठीक,
और उपसर्ग की तरह ही प्रत्यय भी कभी भी स्वतंत्र रूप से वाक्य में प्रयोग नहीं किया जाता है। आइए इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। भारत, भारत एक स्वतंत्र शब्द है, इसके अंत में हमने प्रत्यय जोड़ दिया ई, तो नया शब्द क्या बन गया, भारतीय। ठीक। पढ़, पढ़ एक स्वतंत्र शब्द है, इसमें हमने प्रत्यय जोड़ा आई, तो नया शब्द क्या बना, पढ़ाई। इसी तरह से कई सारे प्रत्यय होते हैं जिनको शब्द के अंत में जोड़ करके नए शब्द बनाए जाते हैं। आइए अब हम लोग कुछ प्रत्यय और उनसे बनने वाले कुछ शब्दों को देख लेते हैं। ठीक है, ये है ई। ठीक, हस शब्द में ई जोड़ा तो नया शब्द बना हसी। खुश शब्द में ई को जोड़ा तो क्या बना, खुशी। ता प्रत्यय है। बैठ शब्द में ता जोड़ा तो क्या बना नया शब्द, बैठता। चल शब्द में ता को जोड़ा तो क्या बना, चलता। दार प्रत्यय है, इसको हमने फल में जोड़ा, ठीक है, तो नया शब्द क्या बना, फलदार। चमक में जब दार जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, चमकदार। अब प्रत्यय है एक को धर्म शब्द में जोड़ा तो नया शब्द क्या बना, धार्मिक, नैतिक। ऐसे ही प्रत्यय है आप, इससे बनने वाले शब्द कौन कौन से हैं, विलाप और मिला। तो ये है कुछ प्रत्यय और उनसे बनने वाले कुछ शब्द। आइए बच्चों अब हम लोग संधि के द्वारा कैसे शब्द रचना की जाती है इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, संधि का क्या अर्थ होता है, संधि का अर्थ होता है मेल। ठीक, व्याकरण में यह मेल दो वर्णों के मिलने से होता है। ठीक है, अब उदाहरण इसके देख लेते हैं। हिम प्लस आलय, नया शब्द क्या बना, हिमालय। सूर्य प्लस उदय, ठीक, अब इससे नया शब्द क्या बना, सूर्योदय। नर प्लस इंद्र, नया शब्द क्या बना, नरेंद्र। तो संधि के द्वारा भी शब्दों की रचना की जाती है। आइए अब हम लोग देखते हैं कि समास के द्वारा कैसे शब्दों की रचना की जाती है। उससे पहले हम देख लेते हैं कि समास क्या होता है। ठीक है, दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को हम समास कहते हैं। ठीक है, जैसे माता और पिता मिला करके बना माता पिता। गंगा का जल, गंगा जल। धन से हीन, धनहीन। आदर के साथ, सादर। तो बच्चों आज हमने समझा कि शब्द की रचना कैसे की जाती है। शब्द की रचना मुख्यतः चार तरह से की जाती है। पहला उपसर्ग के द्वारा, दूसरा प्रत्यय के द्वारा, और तीसरा संधि के द्वारा, और चौथा समास के द्वारा। तो ये था शब्द रचना।